हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न इजी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लाया हूं प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रकाश के बारे में जानकारी दिया कि प्रकाश क्या होता है और वह वस्तुओं को दिखने में किस प्रकार से सहायक होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि निर्वात में प्रकाश की चाल की खोज किसने की, तो उसका आंसर है रोमर। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, प्रकाश का परावर्तन। तो हमने बताया कि वस्तुओं को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला नेत्र और दूसरा प्रकाश। स्वस्थ नेत्र और प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएँ दिखाई देती हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि क्या वास्तव में आपके पास स्वस्थ नेत्र और प्रकाश है, तो क्या सभी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं? जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो आपके सामने की वस्तुएं सभी दिखाई देंगी, लेकिन आपके पीछे क्या है यह आप नहीं देख सकते। कहेंगे सर मेरे पीछे तो नेत्र नहीं है कि मैं वस्तु को देख सकता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसी घटना होती है कि सामने भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सामने तो रहती हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है प्रकाश की उपस्थिति में भी। तो वहाँ पे प्रकाश और नेत्र के बीच एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। तो उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है प्रकाश की उपस्थिति में। तो उससे पहले हम जानेंगे परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के बारे में पहले आपको जानना होगा कि परावर्तन क्या होता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए। परावर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, आप गेंद लीजिए और गेंद को दीवार की तरफ फेंकिए। तो आप जब गेंद को दीवार की तरफ फेंकते हैं तो गेंद जाती है दीवार से टकराती है और टकराकर क्या पाते हैं कि वह वापस लौट आती है। तो इसी को हम बोलते हैं परावर्तन। यानी हमने गेंद को फेंका दीवार की तरफ, दीवार से टकराई और टकरा कर क्या आ गया वापस आया, यही घटना आपका क्या कहलाता है परावर्तन आता है। तो आपने क्या पाया कि किसी वस्तु को फेंका जाए किसी सतह पर और वो टकरा कर जब वापस लौट आती है वही घटना क्या कहलाती है परावर्तन। और परावर्तन में माध्यम भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट, यानी हम कह सकते हैं एक समान होना चाहिए। यानी जिस माध्यम से फेंके हैं उसी माध्यम में वह क्या होना चाहिए वापस आना चाहिए। तो ये परावर्तन समझ में आ गया, यानी टकराकर वापस आना या लौट आना वही क्या कहलाता है परावर्तन। और परावर्तन किसके बारे में पढ़ना है प्रकाश के बारे में। यानी आपने वहां पे तो गेंद को फेंका था लेकिन यहां पर कौन जाएगा प्रकाश, किसी सतह से टकराएगा और टकराकर जब वापस लौट आएगा वही घटना आपका क्या कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया बिल्कुल आसान तरीके से। क्या बताएं परावर्तन का मतलब, किसी वस्तु का टकराकर वापस आना परावर्तन। किसके बारे में जानना है प्रकाश के बारे में जानना है। तो कौन टकराएगा प्रकाश टकराएगा, कहां पे किसी सतह पर, वह सतह कैसा होना चाहिए अभी बताया जाएगा। तो इस प्रकार से परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है वही घटना आपका क्या कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए अब हम इसे समझते हैं प्रयोग के द्वारा कि प्रकाश की परावर्तन की घटना कैसे घटित होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक प्लेन मिरर लेते हैं। एक मिरर लेंगे जिसके पीछे हम क्या करते हैं सिल्वर ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड के पेंट से कलई कर देते हैं, जिसका नाम हमने दिया ए और बी। जिसने हमने क्या बताया कि हमने एक मिरर लिया जिसके पीछे हमने सिल्वर ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड के पेंट से कलई कर दिया, जिससे क्या होता है कि इसका एक पृष्ठ यानी इसकी डेंसिटी घनत्व इतना बढ़ जाता है जिससे प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट सके। अगर कोई आपसे क्वेश्चन क्रिएट किया करे कि हम इसके पीछे सिल्वर ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड के पेंट से कलई क्यों करते हैं, तो आप वहां पर आंसर देंगे इसकी डेंसिटी हम बढ़ा देते हैं जिससे प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसका रीजन यही होता है। तो चलिए अब हमने क्या किया, इसके पिछले पृष्ठ पर कलई करके जो ऊपर वाला सतह है उसको हमने कौन सा तल बना दिया परावर्तक तल। तो अब जब यहां पे प्रकाश किरण, जैसे हम मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण आई इस पृष्ठ पर क्या हो रही है गिर रही है,
तो गिनने के पश्चात हमने क्या बताया कि पीछे वाले तल का घनत्व बढ़ा देने के कारण यह दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और यह हम कह देते हैं उसी माध्यम में वापस लौट गई, जिसका नाम दिया आर। तो यह प्रकाश किरण गिर रहा है और दूसरा प्रकाश किरण क्या हो रहा है, वापस लौट जा रहा है। तो परावर्तन की परिभाषा क्या बताएं, जब कोई प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा क्या हुई, जब प्रकाश किरण किसी चिकले तल या परावर्तक सतह पर गिरती है, गिरने के पश्चात उसी माध्यम में अधिकांशतः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को कि परावर्तन किसे कहते हैं। यही परावर्तन की घटना होती है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। आपके पास स्वस्थ नेत्र हो, प्रकाश भी हो, लेकिन वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, इसका रीजन यह है कि प्रकाश उस पर गिरकर रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर आपके नेत्र पर नहीं बन रहा है, इसलिए वह वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे आप बैठे हो, सामने से कोई घर से घर में माँ या पापा आवाज़ दिए कि भाई उस कमरे से ये सामान लेते आओ। आप गए उस कमरे में सामान लेने, लेकिन आपने वो वस्तु उस स्थान पर नहीं पाया। थोड़ी देर बाद आए, आपके माँ या पापा आए और उसी स्थान से वो वस्तु को आपको दिए, कहो कि मेरे सामने ही था पर दिखा नहीं, ऐसा क्यों? तो हो सकता है प्रकाश भी था, आपके नेत्र भी स्वस्थ हैं, लेकिन वस्तु नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि प्रकाश हो उस पर रिफ्लेक्टेड नहीं हुई और रिफ्लेक्टेड होकर आपके नेत्र पर नहीं बना। यानी जब तक वस्तु रिफ्लेक्टेड होकर आपके नेत्र पर नहीं बनेगा, तब तक वो वस्तु आपके सामने रहेगी लेकिन दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया वस्तु कैसे दिखाई देता है, स्वस्थ नेत्र, प्रकाश और घटना परावर्तन की। अब हम जानेंगे परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं कि परावर्तन में कौन कौन सी परिभाषाएं होती है, यानी उससे जुड़ी कुछ परिभाषाएं आपको बताए जाएंगे। तो चलते हैं, आपको परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे। पहला जो किरण यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है आपतित किरण, जिन्हें बोला जाता है इंसिडेंट रे। दूसरा जो किरण होता है परावर्तित किरण बोला जाता है, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद इसको बोला जाता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पर हम क्या करते हैं, मिरर के सापेक्ष एक लंब खींच लेते हैं जिसे हम बोलते हैं अविलंब, जिसे बोला जाता है नॉर्मल। हम क्या करते हैं, मिरर के सापेक्ष हम एक परपेंडिकुलर यानी लंब खींचते हैं और उसी लंब को हम नाम देते हैं अविलंब। तो आइए जानें कि परावर्तन से इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं। तो पहला आपकी जो पहला परिभाषा बताया जाता है वह आपको बताया जाएगा आपतित किरण की। यानी इंसिडेंस रे के बारे में बताया जाएगा, इंसिडेंट रे क्या होते हैं, तो जानिए आपतित किरण। तो चलिए इसको भी बिल्कुल सरल भाषा में बताते हैं जो आपको समझ में आ सके। आपतित का मतलब होता है गिरना, बिल्कुल सरल भाषा में आप अपनी भाषा में बैठा लीजिए। आपतित किसे कहते हैं, आपतित आपको डिफिकल्ट लगेगा तो उसे आप समझ लीजिए आपतित नहीं यानी गिरने वाली। तो आपतित को हमने क्या बता दिया, गिरने वाली। क्या गिर रहा है, किरण। कौन सी किरण, प्रकाश की किरण। तो आपतित किरण की परिभाषा आप क्या बताओगे, वे प्रकाश किरण जो पृष्ठ पर गिरती हैं, यानी पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश किरण को ही हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। समझ में आ गया ना, आपतित मतलब हमने क्या बताया, गिरना। कौन गिरेगा, प्रकाश किरण गिरेगा। किस पर गिरेगा, किसी तल पर गिरेगा। तो कहीं पर भी आपतित किरण आए, किसी भी परावर्तन हो, अपवर्तन हो, जिसमें भी पूछा जाएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से बताओगे पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश किरण को ही आपतित किरण कहेंगे। तो चित्र में बताइए कौन सी प्रकाश किरण पृष्ठ पर गिर रही है, तो आप देखेंगे बताएंगे आई और ओ पृष्ठ पर गिरने वाली किरण है, तो उसी किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्लियर, समझ में आ गया आपतित किरण किसे कहेंगे,
पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। तो यहां पर बता देंगे आपतित किरण क्या कौन है, आईओ आपतित किरण है। दूसरा आपका डिफिनेशन आएगा परावर्तित किरण, दूसरा आपका डिफिनेशन है परावर्तित किरण की। तो परावर्तन तो आपने जान गया टकरा कर वापस जाना, तो परावर्तन से ही लैंग्वेज आपका सेम कर रहा है परावर्तित, यानी आप तुरंत बता दोगे कि जो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं उस किरण को ही हम क्या कहते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश किरण आई तल पर टकराई, यानी प्रकाश किरण तल पर गिरी और गिरने के पश्चात क्या हो जा रही है अधिकांश किरण वापस लौट जा रही है। ये कभी मत बताना कि सभी किरण, यह पॉइंट भी याद रखना कि आप ये सोचो कि जितनी प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर गिर रही है सभी प्रकाश किरण वापस लौटती है तो यह आप कभी नहीं बताएंगे। अधिकांशतः कुछ भाग इसमें क्या होती है एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब होती है, तो हम कह सकते हैं अधिकांशतः किरण क्या होती है वापस लौट जाती है। अगर आपका मिरर शुद्ध हो, यानी हम कह सकते हैं काफी कास्टली बनाए, तो हो सकता है 99% भाग भी रिफ्लेक्ट करे, लेकिन आप ये सोचो कि 100% यानी पूरी तरह से ही वापस लौट जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। समझ आया? तो हम इसीलिए बोल रहे हैं अधिकांशतः भाग वापस लौट जाती है, यह नहीं बोला जा रहा है कि पूर्ण रूप से वापस जा रही है। हमने कहा जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है तो अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्लियर? अगर जो समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो चलिए परावर्तित किरण की परिभाषा क्या बताया गया कि वे प्रकाशीय किरण जो पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, उसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से एक बार फिर से समझिएगा, वे प्रकाश किरण जो पृष्ठ पर टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, उसी किरण को हम क्या कहेंगे परावर्तित किरण। अब चित्र में बताएंगे परावर्तित किरण कौन है। ओ आर आपका क्या है परावर्तित किरण है। क्लियर हुआ? अब तीसरा डिफिनेशन आता है आपतन बिंदु। अब आपको परिभाषाएं बताई जाएंगी आपतन बिंदु की। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु सिंपल सी परिभाषा है इसकी भी, यह पॉइंट है इस पर प्रकाश किरण क्या हो रही है गिर रही है। तो पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है उसी बिंदु को आप बता देंगे कौन सा बिंदु है आपतन बिंदु। बिल्कुल सरल भाषा में आपतन, आप देख रहे हैं आपतित से ही वर्ड से आप देख रहे हैं समानता पा रहा है, तो इस प्रकार से आपतित और आपतन में क्या कॉम्बिनेशन होगा। आपतित मतलब गिरना, किस पर पृष्ठ के किसी बिंदु पर गिरेगा, जिस बिंदु पर गिरेगा उसी बिंदु को आप तुरंत नाम क्या दे दोगे आपतन बिंदु। तो परिभाषा क्या बताओगे, पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं आपतन बिंदु। समझ में आ गया सरल भाषा में ना, पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे आपतन बिंदु कहेंगे। तो बताइए प्रकाश किरण कौन से पृष्ठ के किस बिंदु पर गिरी है, तो आप देख रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो इस प्रकार से पॉइंट ओ यानी क्या हो जाएगा आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। क्लियर? आपतन बिंदु भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं अभिलंब की बात की जाएगी, अभिलंब किसे कहते हैं। अब परिभाषा बताया जाएगा अभिलंब की। अभिलंब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, आपने क्या किया अभिलंब के लिए, या आपतन बिंदु दिखाई दे रहा है इस पे हमने क्या किया मिरर के सापेक्ष हमने एक लंब खींचा परपेंडिकुलर, यानी उसी को हमने क्या नाम दे दिया अभिलंब। तो परिभाषा बताइए क्या हो सकता है, आप सोचिए और बताइए कि अभिलंब की परिभाषा क्या हो सकती है। बिल्कुल सरल भाषा, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहेंगे अभिलंब। समझ आ गया ना, अभिलंब किसे कहेंगे, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहेंगे। चित्र में बताइए कौन अभिलंब है, ओ ओ डैश आपका क्या है अभिलंब है। क्लियर हो गया या अभिलंब क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा
आपतन कोण। इसकी डिफिनेशन आप खुद से बता सकते हैं, आपतन कोण किसे कहेंगे, अभी हम आप लोगों को क्लियर करते हैं। यह हो गया परावर्तन कोण। आपका अगला टॉपिक क्या आ गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब इसकी परिभाषा आपको बतानी है कि आपतन कोण किसे कहेंगे। हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं और परिभाषा अपने से बताइए। यह कौन सी किरण है, आपतित किरण, और यह क्या खींचा गया है, लंब। इनके बीच क्या बन रहा है, एंगल। कोण बनता दिखाई दे रहा है, तो उसी कोण को आपने क्या कहा, आपतन कोण। तो परिभाषा क्या बताओगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। परिभाषा क्लियर हो गई ना, बिल्कुल ईजी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो आप तुरंत बताइए परावर्तन कोण किसे कहते हैं। सही है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या बताया गया, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से परावर्तन कोण की डिफिनेशन क्या हो गई, आपने खुद बताया कि परावर्तन कोण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही परावर्तन कोण कहेंगे, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो इस प्रकार से आप लोगों को परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं यह क्लियर हुआ। उसके बाद इसमें इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं थी जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं यानी उसमें कौन कौन सी किरण होती हैं, क्या घटनाएं होती हैं वो जानना था। कि प्रकाश किरण जब तल पर गिरती है तो टकरा कर वापस जाती है, जिसमें आपकी एक किरण होती है आपतित किरण, जो प्रकाश किरण गिरती है उसे आपतित किरण, जो टकरा कर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और उस पर जो लंब खींचते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। अब इसकी डिफिनीशन आप इस फिगर को अगर अपने मेमोरी में रखते हैं, तो आप फिगर को अगर समझ लेते हैं तो आपको ये सारी परिभाषाएं ना कहीं लिखने की जरूरत है और न ही रटने की जरूरत। बस आप ये फिगर याद कर लीजिए, फिगर स्मरण कीजिए कि कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उसके बाद आप सब समझ जाएंगे कि यह किरण क्या है, इस किरण को क्या नाम दूं, कौन सा एंगल बन रहा है, जिस बिंदु पर गिर रहा है उस बिंदु को क्या कहेंगे, सब चीज़ें आप तुरंत बता सकते हो। आपको न रटने की जरूरत है और नहीं कहीं पर लिखने की जरूरत है। समझ में आ गया। तो आपको आपके लिए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे आपको अगर समझ में आया है तो आपके लिए एक फिगर देते हैं, इस फिगर में बताइएगा कि कौन आपतित किरण है और कौन परावर्तित किरण, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन वन बताइएगा कि इसमें कौन से आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, आपतन कोण कौन सा है और परावर्तन कोण कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं अब आगे की बात करेंगे कि ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि परावर्तन क्या होता है, लेकिन परावर्तन के लिए नियम होते हैं, जिस प्रकार से आप सभी लोग पीछे भी पढ़ते आए होंगे, न्यूटन्स के लॉ पढ़ते आए होंगे, उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन के लिए भी आपका लॉ होता है, जिसकी जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम होते हैं या किसी भी एग्जाम में आपके जरूर पूछते हैं परावर्तन के नियम। जैसे आप लॉ को जानते हैं, लॉ इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे हम परावर्तन के नियम के बारे में भी जानेंगे कि परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, यानी अगर वह नियम फॉलो करता है तो वहाँ पर परावर्तन की घटना घटित होगी, अगर वह नियम फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पर आप कहोगे परावर्तन की घटना नहीं हो रही है। तो आप जानेंगे कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम,
तो बता देते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपको सामने ही फिगर से ही क्लियर करेंगे कि परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो पहला नियम आप कहेंगे, सिंपल सा आपको समझाते हैं, यह कौन सी किरण दिखाई दे रही है। आप बोलोगे आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और यह कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। अभी आप लोगों को समझाते हैं सभी को कि कौन से आपतित किरण किसे कहते हैं और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यह आपतित किरण है, ये कौन से हैं? परावर्तित किरण। ये बताइए दोनों मिल कहाँ पर रहे हैं? आपने कहा आपतन बिंदु पर। ये कहाँ पे हैं? आपतन बिंदु पर। आपतित किरण परावर्तित किरण ये कहाँ पर हैं? कहीं पर मिल रहे हैं, उस बिंदु को आपने नाम दिया आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर हमने क्या खींचा है? लंब। तो आप बताइए ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ये तीनों कहाँ पर हैं? एक ही तल में। इस प्रकार से इसी को हम आप परावर्तन का पहला नियम कहते हैं, यानी कि इसे आपतित किरण उसके बाद आप बोलोगे परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्लियर हुआ? हमने क्या बताया? परावर्तन का पहला नियम आपको फिगर से ही समझा दिए कि आपको जो आपतित किरण दिखाई दे रही है परावर्तित किरण दिखाई दे रही है, और जो आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है। ये तीनों कहां पर हैं? एक ही तल में हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह जो परावर्तन का पहला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर यह घटना है तो वहां पर परावर्तन हो रहा है। यह पहला नियम है। अगर यह कंडीशन फॉलो करता है तो वहां पे परावर्तन की घटना घटित हो रही है। अगर यह फॉलो नहीं करता है तो वहां पे परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी। यह भी समझिएगा, क्योंकि अगर नियम फॉलो किया तभी ना वह घटना घटित होगी। अगर आप नियम पर नहीं चलोगे तो क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं। तो इस प्रकार से यह नियम पर नहीं चलेगा, यानी यह नियम आपको नहीं दिख उस फिगर में या उस कंडीशन में नहीं दिखता है तो वहां पे परावर्तन की घटना नहीं घटित होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये प्रकाश किरण चल रहा है और ये गया। अब पूछा जाए कि क्या यहाँ पे परावर्तन की घटना घटित हो रही है? कहाँ हो रही है? यह किरण गिर रही है और यह किरण जा रही है, न तो वापस लौटी न एक ही तल में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ पे परावर्तन की घटना घटित नहीं हो रही है। अब नियम समझ में आया कि नियम क्यों बना? नियम फॉलो नहीं करेगा तो वहां पे परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी। दूसरा है बिल्कुल सरल भाषा में कि जो यह आपको दिखाई दे रहा है आपतन कोण, वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है, यानी कोण I इक्वल टू कोण R। दूसरा नियम, पहला नियम क्लियर हो गया, दूसरा नियम यही है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हो गया ना? तो इस प्रकार से जैसे हम बोलते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो पूछा जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बताइए, तो आप वहां पर बताएंगे कि उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 30 ही होगी। किसके? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। यानी अगर हमने यहां पर क्या बताया, परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान की क्या होगा? बराबर होगा। तो जो आपतन कोण का मान 30 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 अंश होगा। तो क्लियर, इस प्रकार से आप समझ गए कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो इस पे एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं कि उसकी वैल्यू बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। जैसे यह घटना परावर्तन की है, इसकी वैल्यू दे दी गई 60, तो बताइए इसका एंगल कितना होगा? थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। हमने बताया कि यह जो एंगल है यानी इसकी वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, तो यहां पर पूछ रहा है आर का मान बताइए, तो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन समाप्त होते हुए
आप लोगों को जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है, जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसको आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका बताया जाएगा इमेज, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में हमारे उपयोग होते हैं, यानी जो हम देखते हैं मिरर के बारे में, और इमेज जानेंगे इमेज क्या होते हैं और मिरर कितने प्रकार के होते हैं वो बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।